गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। पिला माने मु तमा सार्थक सर। आज आम क्लास 12 रो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़वा। तुम्हें एटा जेहेतु टिके फास्ट ईयर कनेक्टेड अच्छे सब जिन बुझे तुमको पढ़े ए टू जेड जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे से सब क्वेश्चन कहबी टी अधिका पॉइंट्स भी कहबी मन रखी थब कहीं बहुत भितर क्वेश्चन पकईदे सब जिन मुझे कवर करी ठीक अच्छे। आर जहाँ भी नोट्स वगैरह तुमको आम आप्लिकेशन डिस्क्रिप्शन रे लिंक अच्छे से तुम्हें मिल जाव ठीक अच्छे। अच्छा चलो स्टार्ट करवा डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो तुम नेचर को देखु नेचर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना, कौन पाई बहुत ज्यादा कलरफुल। मुझे तुमको कह कि खाली जब व्हाइट कलर था तुमको कलरफुल लगी था कि तुमको से इंटरेस्टिंग लगी था कि आर यू सो एक्साइटेड अबाउट टू सी व्हाइट कलर ओनली? नो। तो जब कुछ व्हाइट अपीयर्स गुड बट आर यू सैटिस्फाइड? तुम सतरे सैटिस्फाइड अच्छे केवल व्हाइट कलर देखी देखी ना, तुमको टिके रंगीन दरकार ना, रंगीन ड्रेस न पिंधे मजा लगे तो ओबियसली नॉट एट ऑल। तो कौन हो गोटे गोटे पिला तो माँ को क्वेश्चन पचार मम आई गट ए भेरी बिग डाउट हाउ नेचर मेक्स देम सो कलरफुल। माँ आंसर दौरान कौन इट इज ए प्रेटी गुड क्वेश्चन, डेफिनेट एट भल क्वेश्चन। आर आंसर पिल शुण इट क्या बी आनसर्ड व्वेन यू केयरफुली गो थ्रो नेचर अफ एलिमेंट्स आंड देयर बिहेवियर इन डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन कहली आम डी आउ ए ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ी आर आंसर आम पाइपर डी आउ ए ब्लॉक एलिमेंट्स कलर प्रॉपर्टी देखा से कलर केमी आरइज कैर से विषय आम जाना डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत सारा मेडिसिनल यूज हुए। नेक्स्ट कथा होची आम जो कैटलिस्ट अच्छे कैटलिस्ट प्राय तो डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट्स। सपोज मैन्युफैक्चर कर सल्फ्यूरिक एसिड तो कैटलिस्ट लगे डी एंड ए ब्लॉक। तो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर तुम तो आपको पढ़ा आउ क्लास 12 तो तुम ऑलमोस्ट 9 मार्क भाई क्वेश्चन अच्छे वन बाय वन सब आम करवा ठीक अच्छे। चलो लेट्स बिगिन। तो प्रथम आगे पीरियड टेबल आगे आखि आगे देख भल से देख ये ग्रुप वन ये ग्रुप टू ये हूँ पिले तुम के 13 to 18 पिले 13 to 18 को कहते पी ब्लॉक। कौन कहली पी ब्लॉक। 1 to 2 को कौन कहली पिले एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पीरियड टेबल रे पिले 4 ब्लॉक अच्छी कौन एस गला पी गला मझे 3 to 12 अच्छी तुम डी ब्लॉक। केवल ग्रुप 3 ये जो ग्रुप 3 देखु ना ये जो 3 रु ए पर्टिकुलर पोर्सन देख ए पर्टिकुलर पोर्सन रु ये लांथानम बाहर आउ आक्टिनम बाहर तो माने ग्रुप 3 रे किए अच्छी। यदि क्वेश्चन पचारि पिले ग्रुप 3 रे को ग्रुप अच्छी को ब्लॉक एलिमेंट अच्छी तुम कह सार ए ब्लॉक एलिमेंट्स को ग्रुप अच्छी ग्रुप 3 रे अच्छी ठीक है। जानवा केमी अच्छी कौन अच्छी जानवा प्रथम कथा देख 3 to 12 को कहते ट्रांजिशन एलिमेंट क्या 3 to 12 भितर किए अच्छे डी ब्लॉक अच्छे आ ब्लॉक अच्छी। जेहेतु पूर्व काल कौन कहला ओल्ड डेफिनेशन अनुसार एस आउ पी मझे अच्छी ट्रांजिस्ट करुच्ची तो कौन कहते ट्रांजिशन एलिमेंट बा एमती भी कहला एस आउ पी केमिकल प्रॉपर्टीज मझे किए रोच डी ब्लॉक रोच तो से कौन कहते ट्रांजिशन एलिमेंट कहते पूर्व टाइम कि तार डेफिनेशन चेंज होती कौन है धीरे धीरे आम आगे बढ़े जापर ठीक अच्छे। तो आम प्रथम कथा कौन जान लें ग्रुप 3 रु ग्रुप 12 को कौन कहते ट्रांजिशन एलिमेंट ठीक अच्छे ये कथा जान लें। तो प्रथम कथा देख दोज एलिमेंट डी एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या कहवा दोज एलिमेंट इन व्हिच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू डी सबसेल डी सबसेल डी सबसेल जदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर कला तो कौन कह डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहि बुझल। अच्छा डी ब्लॉक स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड जब तुम भल से देखा ट्राए कर ये हूँ 4 नंबर पीरियड तो 4 नंबर पीरियड रू किए स्टार्ट डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक अच्छे। आम कौट कौट जा ग्रुप 3 रु ग्रुप 12 ग्रुप 3 रे किए अच्छे पिले स्कैंडियम एट्रोलियम लांथानम आक्टिनम ये स्टार्टिंग ग्रुप एंडिंग ग्रुप रे किए अच्छे जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आउ क्यूनेरियम ये ग्रुप 12 3 रु 12 भितर जो एलिमेंट्स अच्छे आम पढ़ा पिले ध्यान दि जो 7 नंबर पीरियड अच्छी ताको आम पढ़वानी से रेडियो एक्टिव तार स्टडी बहुत कम कराए आम काढ़ीद पढ़वानी आम यनिटा पीरियड विषय में पढ़वा। तो मुझे भल से देखा जा 3 to 12 भितर 4 सीरीज अच्छे देखिपार 1 2 3 4 प्रथम सीरीज को कहते पे 3D सीरीज बात फास्ट ट्रांजिशन सीरीज सेकेंड को कहते 4D सीरीज बा सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज थर्ड को कहते 5D सीरीज जोटा कि कहे आम कौन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लास्ट कहते 6D सीरीज बात कहते 4th ट्रांजिशन सीरीज ता माने डी ब्लॉक को आम 4 सीरीज डिवाइड कर 3D
4D, 5D, 6D आम 6D विषय में पढ़ा ना ओनली 3D, 4D, 5D भितर पढ़ा 3D, 4D, 5D ग्रुप 3 रु ग्रुप 12 भितर जो एलिमेंट्स अच्छे विषय में ये चैप्टर में पढ़ा ठीक अच्छे। चलो देख से लिखी विषय देख ग्रुप 3 रु ग्रुप 12 अच्छा प्रथम कथा मन रखित कॉइनेज मेटल का कहुए कॉपर सिल्वर गोल्ड ग्रुप 11 रे पिले अच्छी कॉपर सिल्वर गोल्ड देखि दे भले से कॉपर सिल्वर गोल्ड आर जी भी अच्छे आम कहल ना मुझे पढ़वीनि एगुड़ा कौन कहते कॉइनेज मेटल कॉइनेज माने जो मानू कॉइन बनुची क्लीयर जिंक काडमियम मर्क्यूरी को कहते पे सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कहली मुझे सीडो ट्रांजिशन फेक ट्रांजिशन एलिमेंट ये आक्चुअल ट्रांजिशन एलिमेंट नुहत कि प्रपर्ट तक ग्रुप रखा जाए कहीं किटा प्रपर्टी जमी कम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टी एम सहित सिमिलर कि सम प्रॉपर्टीज आंको सहित जेहेतु सिमिलर होती से ग्रुप रखे स्टडी करम आक्चुअल ट्रांजिशन एलिमेंट्स नुहंती कौन कहते लेख आहत सीडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिंक काडमियम मर्क्यूरी अच्छा नोबेल मेटल्स जो मैंने बहुत वैल्युएबल मेटल्स जमीला सिल्वर कॉस्टली ना गोल्ड प्लाटिनम मर्क्यूरी ये सब हूँ कॉस्टली मेटल से कौ मेटल कहते नोबेल मेटल्स कहते ये तो बुझी जाइए पर अच्छा अच्छा मुझे कह भी डी ब्लॉक कथा बा डी ऑर्बिटल कथा पिले लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी एंट्री कला तो कौन कह डी ब्लॉक एलिमेंट्स डी रे पिला केतरा घर अच्छे देख पांचटा घर अरे डी रे डी सबसेल रे पांचटा ऑर्बिटल थाए कौन कौन डीएक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो कहबार कथा गोटे ऑर्बिटल रे केतरा इलेक्ट्रॉन रहइबो दीटा टोटल इलेक्ट्रॉन केत रहइबो 10टा इलेक्ट्रॉन से आम ग्रुप केत जानी पार्च तीन रु बार केतरा ग्रुप 10टा ग्रुप होइछि कौन एति कथा बुझेला ना बुझेला नै से भलसे देख 10टा ही ग्रुप थी कौन पाई अरे टोटल पांचटा ऑर्बिटल ना गोटे घर केतरा इलेक्ट्रॉन रहइबो दीटा तो समस्त इलेक्ट्रॉन प्रॉपर्टी अलग अलग तो 10टा इलेक्ट्रॉन पाई 10टा घर अच्छा जदि मुझे एलिमेंट्स को नौ डी ब्लॉक आउ ए ब्लॉक दुटा पार्ट डिवाइड कर डी ब्लॉक कौन ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक रु बाहर थी किए बाहर डी ब्लॉक रु ए ब्लॉक कौन आम कौन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कह सार केमी बाहर मतलब जाना ना कुछ हो देख जानी जो जनाऊँ देख शुण ये है पिले स्कैंडियम याट्रालियम लांथानम आक्टिनम तापर टिटानियम जिर्कोनियम हाफनियम तापर अच्छे रदरफोनियम ठीक अच्छे पिले 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 कहूँ शुण ईर आटमिक नंबर आर हूँ के 57 आर हूँ 72 आर आटमिक नंबर पिले 89 आर हूँ 104 आ भितर पिले 14टा एलिमेंट्स नहाँ मिसिंग अच्छा आ भितर पिले 14टा एलिमेंट्स मिसिंग अच्छा अरे जाइंट कड़े तले गोटे देख तले दुटा सीरीज अच्छी सेरियम टू लुटेसीयम एमती अच्छी पिले सेरियम टू लुटेसीयम ये अच्छे थोरियम टू लरेन्सीयम कौन कहली थोरियम टू लरेन्सीयम पिले थोरियम आटमिक नंबर हूँ 90 लरेन्सीयर हूँ 103 सेरियम 58 आर हूँ 71 ता मैंने ये 14टा एलिमेंट्स एटी भी 14टा एलिमेंट्स ये जो 14टा एलिमेंट तौक पलैसी जेहेतु लांथानम पर स्टार्ट आपको आम कहे लांथानाइट सीरीज ये आक्टिनम पर बाहर थी कहे आम आक्टिनाइट सीरीज आपको फोरेप सीरीज कह जाए कहीं इलेक्ट्रॉन कौटी भर्ती होती फोरेप्रे ये इलेक्ट्रॉन कौटी भर्ती होती फाइव एप्रे तो पिले आपको आम डिटेल पढ़ा ब्लॉक टेनसन नियनि मुँ कहली ट्रांजिशन एलिमेंट रु आउ दुटा ट्रांजिशन सीरीज बाहर से कौन कहते इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के प्रकार कहली दी प्रकार गोटे फोर एफ सीरीज आ गए कहली फाइव एफ सीरीज कहीं इलेक्ट्रॉन ये फोर एफ्रे एंट्री करें कौटी एंट्री कर फाइव एफ्रे एंट्री कर तो आपको कहींपर लांथानाइट सीरीज आपको कौन कहींपर आक्टिनाइट सीरीज कहीं लांथानम पर जेहतु ओरिजिनेट बाहर तो कौन कह लांथानाइट सीरीज तो आरटा कौन कह आक्टिनाइट सीरीज आउ टे देखी दि देख भले से ये लांथानम पर बाहर से बाहर थी कौन कौन आम लांथानाइट सीरीज ये आक्टिनम रु बाहर थी कौन कौन आम आक्टिनाइट सीरीज कौन बुझेला ना बुझेलानी कौन क्लीयर एवं आम जाणीगले क्लासीफिकेसन तम ये कौन बुझीपाले ये एस ये पी ये डी ये एफ आम ए पढ़ा सेपरेट चैप्टर आम एफ पढ़ा क्लीयर अच्छा ये बुझीगल समस्ते चल प्रथम आगे जाण मत कह तुम इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन जाच कि जदि जाण जाण ट्रिक कौन मन रखि तो इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन जब पिलार गोटे होगा डी ब्लॉक होगा कहीं केमी हूँ तुमको कहूँ देख प्रथम कथा स्कैंडियम इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन लिखा प्रथम तो आर्गन जाच
ट्रिक सुनो ये टू वन अच्छी केम लिख फोर एस टू थ्री डी वन बुझिपाल आर टू टू अच्छी कौन लिख फोर एस टू थ्री डी टू आपको केम लिख फोर एस टू थ्री डी थ्री ताने टू एस रहा आर टा रही अच्छा क्रोमियम को तो स्टार मार्क दे दियो ना क्रोमियम तुम छोट बल पढ़ कर कौन फोर एस वन थ्री डी फाइव कौन पाई फोर एस वन थ्री डी फाइव हवा कथा के फोर एस टू थ्री डी फोर हवा कथा किंतु एस रोटे इलेक्ट्रोन डी को पड़ी क्या डी हम हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल से इलेक्ट्रोन एस रु डी को जाऊँगी सो दैट हाफ फिल्ड किंवा फुली फिल्ड बा स्टेबल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन पाइबा स्टार मार्क कर देली एग्जाम रे इटा ही पचारे तुमको अच्छा मांगानीज बहुत सहज पचीस पचीस कौन हम फोर एस टू थ्री डी फाइव अच्छा आर कौन हम ट्वेंटी सिक्स रे कौन हम कह फोर एस टू थ्री डी सिक्स ये कौन है फोर एस टू थ्री डी सेवेन ये कौन है पिले फोर एस टू थ्री डी एट कितने सहज देख दुई आठ सांगे सांगे लिखल फोर एस टू थ्री डी एट अच्छा पिले तुम्हें केवल थ्री डी जाच तुम कम हो कहीं फोर डी फाइव डी एत पचारे जोटा पचारे मुझे तुमको कहीदे अच्छा मुझे कपर को स्टार मार्क करदे कपर हवा कथा के फोर एस टू थ्री डी नाइन हम कथा कि हम कौन फोर एस वन थ्री डी टेन कहीं एस रु गोटे इलेक्ट्रोन कौटी पड़े आी को सो दैट कौन हो स्टेबल ये फुली फिल्ड हाँपाई एमती हो ये हाफ फिल्ड हाँपाई एमती होगा कहते आनोमोलस कन्फिगरेशन आनोमोलस कौन कहली आनोमोलस कन्फिगरेशन कहीं किए देख क्रोमियम देखेब आ किए देख पिले कपर देखेब जिंक रही पिले फोर एस टू थ्री डी टेन पिले आपको भल से मन रख ये हेले तुम डी ब्लॉक है जान ठीक अच्छे अच्छा हो एबे जीबा हमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रथम प्रॉपर्टी जीबा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पिले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक कौन हो इनर्ट गैस एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस वन और टू एक्सेप्ट कहार पालाडियम पालाडियम केस रे कौन था फाइव एस जीरो था फोर डी टेन था कौन ये शुण एन माइनस वन कौन पिले शुण टी कहीदे ये जदि है पिले एन ये हो एन माइनस वन ए वाला कहते एन माइनस टू आपको कहते पिले भालांस सेल आपको कहते पिले पेनल्टीमेट सेल आपको कहते पिले आंटी पेनल्टीमेट सेल भल से अब्जर्व कर जदि मुझे तुमको कहूँ आयरन आयरन कॉन्फिगरेशन तुम कौन लिखुच फोर एस टू थ्री डी सिक्स माने फोर एस अलरेडी फिलअप हो जाने एन अलरेडी फिलअप हो जाए इलेक्ट्रोन कौटी भर्ती होती थ्री डी लास्ट इलेक्ट्रोन कौटी एंट्री कर डी रे डी माने कौन एन माइनस वन ना डी ब्लॉक रे प्रथम एन टा फिलअप हो सारी से एन माइनस वन एंट्री कर बुझेगा से जेनेल इलेक्ट्रोन कन्फ्यूजन कौन लिखाई एन माइनस वन डी कौन वन टू टेन एन एस कौन हम वन और टू हम एटी गोटे केस एन एस अच्छी जो थे जीरो हम से केसटा किए पिले देख पालाडियम लिखिदे पालाडियम ठीक अच्छे अच्छा मुझ ट्रिक लिखिदेगी देख इलेक्ट्रोनिक कॉन्फ़िगरेशन जानापी समस्त देख भल से देख स्कैंडियम है टिटानियम है समस्त लिखिदे कौ ग्रुप्र अच्छा क्रोमियम ग्रुप को भल से देखि दि ये कौन करदे यहाँ क्या कौ ग्रुप कपर सिल्वर गोल्ड ग्रुप लिखिदे देख कपर कॉन्फ़िगरेशन केमी जान अच्छा एन माइनस वन तो अच्छी मुझे तुमको पचारि पिले सिल्वर कॉन्फ़िगरेशन लिख तुम कह सर मुझे केमी करी अरे बाबा ये कौ पीरियड अच्छी फिफ्थ पीरियड पर कौन हम देखे ये पकईदे ना पाँच पकईदे कौन हो फाइव एस के वन अरे ऊपर तो एस वन डी टेन ना फाइव एस के वन फाइव माइनस वन के फोर फोर डी टेन सला के सहज बहुत सहज तु कह सार मत रुथेनियम करके देख मुझे कौ पीरियड अच्छी देखे फिफ्थ पीरियड अच्छी तो फिफ्थ पीरियड पर पकईदे ना फिफ्थ पीरियड कौन हम फाइव एस टू फोर डी सिक्स कौन जाणी है ना जाणी है कह बाकी समस्त लिखे तुमको पचारे ए ग्रुप्र पचार ए ग्रुप्र पचार पालाडियम पचार पालाडियम कहीदे प्लांटिनम प्ले प्लांटिनम हम पिले सिक्स एस वन फाइव डी नाइन मन है कौन कहली सिक्स एस वन फाइव डी नाइन ठीक अच्छे ये गोटे पालाडियम आ प्लांटिनम नोट्स मिल जाव तुमको लिखे पालाडियम आ प्लांटिनम होगा बास है बाकी सब जिन तुमको लिखाही आ बाहर किसी आसो ना ये नियोबियम टी एक्सेप्शन अच्छी एटा पचारे ना जाना दरकार भी ना जी कहली से जाना दरकार जमी कहली मॉलिब्डेनम कर ये जदि है कौन फोर एस वन थ्री डी फाइव ये कौन हो फाइव एस वन कौन हो फोर डी फाइव तुम्हें भावु सार आपको मन के रखी ट्रिक
ଏମିତି ବି ମନେ ରଖିପାର, ବାକି ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ତୁମେ ଯଦି ଶିଖିଥିବ ଶିଖ ନହେଲେ କହିଦେଉଛି। ଏଇ ଜିନିଷ ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଇ ଗ୍ରୁପ୍ ମନେ ରଖିବି, ଟି ଜରା ହାପ୍ ଓ ନବାବ ଥା, ଯିଏ ଯେମିତି ମନେ ରଖିପାରିବ ମନେ ରଖିପାରିବ। କର ବତନ କର ମହବତ ୱତନ ସେ, ତ ଇଏ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ PDF ଦେଇଦେବି ଯେଉଁଥିରେ କି ସବୁ ଡି ବ୍ଲକ୍ ହେଉ କି ଏ ବ୍ଲକ୍ ହେଉ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆମେ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ବିଷୟରେ ଆଉ ତା'ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଗଲେ ପ୍ରଥମେ, ହେଲା କ୍ଲିୟର। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ସରିଲା, ଏବେ ଦେଖ ଦ ଭେରି ନେମ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡି ବ୍ଲକ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଦେ ଆର୍ ପୋଜିସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ପି ବ୍ଲକ୍। ଯଦି କିଏ ପଚାରିଲା ପିଲେ ଡି ବ୍ଲକ୍ ବା ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟର ପୋଜିସନ୍ କେଉଁଠି, ତୁମେ କହିବ ବିଟୱିନ୍ କେଉଁଠି, ଏସ୍ ଆଉ ପି ଭିତରେ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କହିଲି ନା ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଚାରିଟା ସିରିଜ୍ ଡିଭାଇଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ 3D ସିରିଜ୍, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ସିରିଜ୍, ସେକେଣ୍ଡ ବା 4D, 5D, ନେକ୍ସଟ ହେଲା 6D। ଇଏ କେଉଁଠୁ ଦେଖ ଯାଇଛି, ସ୍କାଣ୍ଡିୟମରୁ ଜିଙ୍କ ଯାଏଁ ଯେଉଁଟା ଯାଇଛି ତାକୁ କ'ଣ କହିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ସିରିଜ୍। ୟାଟ୍ରୋବିୟମରୁ କେଉଁଠି ଯାଇଛି, କାଡ଼ମିୟମ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଲି, ସେକେଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲାନ୍ଥାନମରୁ ମର୍କୁରୀ, ଏଇଟା ହେଉଛି 3rd। ଆକ୍ଟିନମରୁ କ୍ୟୁନେରିୟମ, ଇଏ କ'ଣ ହେଉଛି, 4th। ଏ 4ଟି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ସିରିଜ୍ ଆକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇ 3ଟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଓକେ, ସେ ପଚାରିଛି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଫ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ, ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନଫ୍ୟୁସନ୍ ଦେଖ, ଏଠି ନେବ ଆର୍ଗନ୍, ତା ତଳଟା ନେଇଯିବ କ୍ରିପ୍ଟନ୍, ତା ତଳ ନେଇଯିବ ତୁମକୁ ଜେନନ୍, ତା ତଳଟା କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର ରାଡନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆର୍ଗନ୍ ଇଏ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ପିଲେ ମନେ ପକାଅ, 3D 3D 1 to 10 ଥିଲା, 4S କେତେ ଥିଲା ପିଲେ 2। ଆଚ୍ଛା 3D ସିରିଜ୍ଟା କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି, 4th ପିରିୟଡ଼ରେ, କାହିଁକିନା ହାଏଷ୍ଟ କ୍ୱାଣ୍ଟମ୍ ନମ୍ବର କେତେ, 4 ନା। ମୁଁ କହିବି 4D ସିରିଜ୍ଟା କେଉଁ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି, 4D ସିରିଜ୍ଟା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ 5th ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ 5S2। ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ 5D 1 to 10 6S2, ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ 6D 1 to 10 7S2। ପିଲେ ଏଠି 4A 14 ଆଉ 5A 14 ଆଡ଼୍ କରାଯାଏ, ସେଇଟା ତୁମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିପାରିବ ପଢ଼ିବା ସହିତ, ବୁଝିହେଲା। କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍ ପଚାରିବ 21-30 ଯାଏଁ ପଚାରିବ, ବାକି ଆଉ କ'ଣ କହିଲି, ପାଲାଡ଼ିୟମ୍, ପ୍ଲାଟିନମ୍, କ୍ରୋମିୟମ୍, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ, ସିଲଭର, କପର, ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପଚାରିବ, ଆଉ ବାହାରୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନାହିଁ। କ୍ଲିୟର, 1 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା, ବାସ୍। ମୁଁ କହିଲି ନା ଯେମିତି ଇଏ ହେଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ, 3D 4D 5D 6D ସିରିଜ୍ର, ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଏଣ୍ଡିଂ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ 4ଟା ସିରିଜ୍ରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଲେ ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ ପିଲେ, ଆକୁ ଆମେ 3B କହୁ, ଏଇଟା କ'ଣ 2B, ଏଣ୍ଡିଂଟା ହେଉଛି କେଉଁଥିରେ 2B। ଓକେ, 3 to 12 ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଏବେ ଆସିବା ଟପିକ୍କୁ। ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଏସ୍ ଆଉ ପି ବ୍ଲକ୍ର ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ତା ବିଚ୍ରେ କାମ କରୁଛି କି ମଝିଆ ମଝି ତା ପ୍ରପର୍ଟି ସୋ କରୁଛି କି ଡି ବ୍ଲକ୍, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା, ସେ କହିଲା ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ସ ଆର୍ ପାର୍ସିଆଲି ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ ଇନ୍ ଦେୟାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅର୍ ଇନ୍ ଦେୟାର କମନ୍ଲି ଅକରିଂ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ବା ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ରେ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍, କ'ଣ କହିଲେ, ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ ଥିବ, ତା ମାନେ ଡି 10 ହୋଇନଥିବ, କ'ଣ କହିଲେ, ଡି 10 ହୋଇନଥିବ, ତାକୁ କ'ଣ କହିବି, ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିବି। ମୁଁ ତ କହିବି ସପୋଜ୍ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍, ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ୍ର କେତେ 21 ନା, 21 ମାନେ କେତେ, ଆର୍ଗନ୍ 4S2 3D1, ଟ୍ରିକ୍ କହିଛି ନା, 2-1 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ପିଲେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯଦି ତୁମକୁ ପଚାରିବି ପିଲେ ଆଇରନ୍, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଇଏ ତ 26 ହେବ କ'ଣ, 4S2 3D6 ଶିଖେଇଲି ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କନଫିଗରେସନ୍, ତ 2-6 କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଡ ବା ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟ କହିବା, ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କହିବା। ଓକେ, ତ ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ର ଡି ଅର୍ବିଟାଲ୍ କ'ଣ ଥିବ, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଡ ଥିବ ବା ପାର୍ସିଆଲି ଫିଲ୍ଡ ହୋଇଥିବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇନଥିବ, ତ କ'ଣ କହିବା, ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଯଦି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା ତୁମକୁ ପଚାରିବି ଜିଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେବ କି, ଆରେ ହେବନି ରେ ବାବା, କାହିଁକି, ଏଥିରେ 3D 10 ଅଛି ନା, 10 ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫିଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଛି, ଆସିବ କେଉଁଠୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ବୁଝିହେଲା। ତ କହିଥିଲି ନା ଜିଙ୍କ କାଡ଼ମିୟମ୍ ମର୍କୁରୀକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ କହିବା ନାହିଁ, କ'ଣ ପାଇଁ, ଆଉ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ସିଡ଼ୋ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, କ'ଣ ପାଇଁ ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ ସିରିଜ୍ ରଖାଯାଇଛି ନା, କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିଜ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଇଏ ଟିକିଏ ସିମିଲାର ହେଉଛି, ଯେମିତି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ବଗେରା ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ରଖିକି ଷ୍ଟଡି କରାଯାଉଛି। ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ଲିଅର୍ ଟୁ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍? ବାସ୍,
तो क्वेश्चन चल देख किसी व्हाई कॉपर सिल्वर गोल्ड आर कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो दे हैव फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल बढ़िया क्वेश्चन दी मार्क क्वेश्चन पचार शुण कॉपर सिल्वर गोल्ड गोटी कहीदे बाकी सब जानपर तुम्हें कॉपर अच्छी सिल्वर को अच्छी कहीदे कॉपर कौन हम आर्गन 4s1 3d10 ये कौन है जीवो? क्रिप्टन 5s1 4d10 ये पिले ये तो डी टेन अच्छी ना ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट हवा कथा नुह कौ डेफिनेसन अनुसार मैंने आम नर्माल डेफिनेसन अनुसार हवा कथ नुह कि पिले जो तुम भलेसे अब्जर्व कर ये लिखी ना कमनली अकरिंग अक्सीडेसन स्टेट गोटे लिखी से कही जो एलिमेंट्स ग्राउंड स्टेट किंबा कमनली अकरिंग अक्सीडेसन स्टेट रे हाफ फिल्ड तुम इनकम्प्लीटली फिल्ड बा पार्शियली फिल्ड थे आम ट्रांजिशन एलिमेंट कहवा तो कथा हूँ कॉपर कमन ऑक्सीडेशन स्टेट हूँ प्लस टू सिल्वर हूँ प्लस टू मान दुटा इलेक्ट्रॉन से देदेव केमी दब प्रथम हायर एनर्जी जीव एस रु गोटे जीवर डी रु गोटे जीव ताने कॉपर जो कॉपर टू प्लस स्टेट को आसब कॉन्फिगरेशन कौन हो 4s0 3d9 सिल्वर जो आसब तार कॉन्फिगरेशन कौन हो 5s0 4d9 तमान ये इनकम्प्लीटली फिल्ड अच्छा ना नहीं मत कह ये कौन इनकम्प्लीटली फिल्ड तो से कौ एलिमेंट कह पे आपको आम ट्रांजिशन एलिमेंट कह कहीं मैंने कमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट रे मानकर डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड क्लियर पिला मैंने बस चल डी ब्लॉक लिखला नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई जिंक कैडमियम मर्क्यूरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट एबे कहीकि गली कहीं मानकर डी टेन अच्छी आउटर मोस्ट कौन अच्छी फुली फिल्ड अच्छी से आम ट्रांजिशन एलिमेंट कंसीडर करवा ना ऑन व्हाट ग्राउंड यू कैन से दैट स्कैंडियम इज ए ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट पिले स्कैंडियम जब कॉन्फिगरेशन देखा 4s2 3d1 बार बार कौन सब कथा बुली बाली कॉन्फिगरेशन को आसो तुम पाक 4s2 3d1 जब 4s2 3d1 है पिले ये कौन इनकम्प्लीटली फिल्ड अच्छे ताको मुझे ट्रांजिशन एलिमेंट कहि कि जो जिंक को जाऊँ जिंक 4s2 3d10 ये कम्प्लीटली फिल्ड तुम्हें कह सार जो पूर्व क्वेश्चन कहले जिंक तो कमन ऑक्सीडेशन स्टेट थी हाँ अच्छी जिंक कमन ऑक्सीडेशन स्टेट हूँ पिला प्लस टू जदि प्लस टू जिंक कमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो कौन हो कॉन्फिगरेशन जिंक टू प्लस फोर एस जीरो थ्री डी टेन कौन बुझीहला बुझेलानी आरे इलेक्ट्रोन तो सब हायर स्टेट रू जीवना तापर तो लोअर स्टेट रू जीवना हायर एनर्जी कौटा फोरेस बुझल ता माने जिंक कैडमियम मर्क्यूरी ए तीन जन जाक से ग्राउंड स्टेट आज वेल आज कमनली अकरिंग ऑक्सीडेशन स्टेट रे इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड अच्छे कौटी ना डी ऑर्बिटल अच्छे से कौ एलिमेंट्स कहवा ट्रांजिशन एलिमेंट कहानी सीरो ट्रांजिशन एलिमेंट कहवा क्लीयर 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 बास ये भी आंसर बुझीपार तुम्हें अच्छा हो चलो किसी एमसीक्यू कर द एलिमेंट्स इन हुईज लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन n-1d आर कॉल्ड कौन हम कॉल्ड कौन कहवा आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स n-1d कौन एटा डी कौन सेल सब सेल कौन हम ऑर्बिट कौन हम ऑर्बिटल ऑर्बिटल n-1d ऑर्बिटल जब एंट्री गला तो कौन कहवा डी ब्लॉक एलिमेंट्स कह डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक ओब्वियसली आंसर व्हाट आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स अल्टरनेटिवली कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स जदि ए ब्लॉक था पिले लिखी था इनो ट्रांजिशन एलिमेंट्स द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ 5s 5/5th पीरियड पिले फिफ्थ अच्छी माने प्लस वन करदे कौन हो 6s थी आउ कौन थी 5d थी 6s के 1 to 5d के 1 to 10 जापाल तरीका ट्रिक जापाल तो देख कौटी अच्छी हाँ बास द व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहला n-d 1 to 10 ns 1 or 2 अच्छी बास ठीक मार ना द जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ फोर्थ पीरियड ऑफ डी ब्लॉक फोर्थ पीरियड कही ना फोर्थ पीरियड माने कौन थी 4d 10 1 to 10 थी तो मैंने 5s कौन थी 1 to 2 कौट अच्छे देख 4d 1 to 10 5s तो गोटे जगार अच्छे हाउ मेनि एलिमेंट्स डू वी हाव इन ईच सीरीज ऑफ डी ब्लॉक मुझे ना डी रेतटा ऑर्बिटल 5टा टोटल केतटा इलेक्ट्रॉन गोटे ऑर्बिटल मैक्सिमम 2टा इलेक्ट्रॉन अकमेंट कै
तो पाँच इंटु दुई के दस तो केतटा अच्छी दसटा 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 तो आंसर के टेन जदि ए ब्लॉक पचार था तो आंसर होता ना फोर्टीन बुझेगा ड्यास एंड ड्यास सो आनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कहीला टिके पूर्व क्रोमियम और कॉपर जमी आम चाहूचे तुम्हें अलग देखा जोटा कि आनोमलस नॉर्मल टू अलग देखा से कहे आनोमलस कॉन्फिगरेशन ठीक अच्छे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम क्रोमियम कौन कही फोर एस वन थ्री डी फाइव देख कौट अच्छी आर्गन फोर एस वन थ्री डी फाइव फोर एस वन थ्री डी फोर थ्री बस एट व्हाई डज कॉपर सो अबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मुझे कही कॉपर हवा कथा पिले कौन फोर एस टू थ्री डी नाइन हवा कथा कि एस इलेक्ट्रॉन गोटे डी को जंप करुच्ची सो दैट ये कौन हो थ्री टेन पिले जाथ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कौन फोर एस टू थ्री डी टू अटेन एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी तो आंसर कौन हम सी ओके ये सरीगला मोर क्वेश्चन आंसर एवं चलो देखा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट किसी जनरल प्रॉपर्टीज जानवा प्रथम कथा दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कहली आगे जानवा तुम गोटे स्पेसिफिक चैप्टर अच्छे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या पर जोटा कि पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उपर डिपेंड कर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जो हमें बहुत किसी हेल्पफुल क्या मेडिसिनल जिनस अच्छी सब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही बनुच्छे क्लियर दे हाव हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट रोच मोस्ट काटाइन ट्रांजिशन मेटल दे आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट मान सब काटाइन अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रायत थाए हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थर्माल मान एम कंडक्टर आ हीट आउ तुम करेन्टर मानते हिट आउ करेन्ट कंडक्ट करेंगे ठीक अच्छे हार्ड मेटाल्स ओबियसली हार्ड मेटाल्स एंड हाई टेनसल स्ट्रेन्थ समस्त मेटाल्स को स्टेट था सलीड कि गोटे अच्छे मर्क्यूरी आउ क्यूनेरियम एम को स्टेट था पे लिक्विड स्टेट्रे था बुझीगला दे सो हाई डेनसीटी मालेबिलिटी मालेबिलिटी जो तुम कौन कर पार प्लेन सीट बन पार डक्लिटी ताको ओयार बन पार कि मालेबिलिटी डक्लिटी क्या कर मर्कुरी अरे मर्कुरीटा लिक्विड ना थोड़ी ना सी तार बन पार पजेसेस मेटल मेटालिक लश्चर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट क्या कहली जिंक काडमियम मर्कुरी आगे जान जिंक काडमियम मर्कुरी लो मेल्टिंग पॉइंट एम को भोलाटाइल मेटल कहते कौ मेटल कहते कहली भोलाटाइल मेटल्स तुम कह सार ये तो हाई मेल्टिंग पॉइंट लिखी अरे बाबा समस्त गोटे कहली हाई मेल्टिंग पॉइंट केवल गोटे केस कौन जिंक काडमियम मर्कुरी एमती भी आम जिंक काडमियम मर्कुरी को ट्रांजिशन एलिमेंट कनसीडर करूने बुझल पे आउ गोटे कथा जिंक काडमियम मर्कुरी आउ मांगानीज एम मोर देन वन स्ट्रक्चर शो करती स्ट्रक्चर एम स्ट्रक्चर भितर डिफरेन्स अच्छी नॉर्मल टेम्परेचर बस एतिक होची आमर जनरल प्रॉपर्टी जोड़ा कि तुम एनसीईआरटी अच्छी एनसीईआरटी बाहर किसी जिनस तुमको पड़ो ना सब एनसीईआरटी जहाँ कौन एनसीईआरटी भितर अच्छी तुम अधिक अच्छे कम ना ठीक अच्छे अच्छा हाँ एवं जानले प्रथम प्रॉपर्टी आम सर कौन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देन आम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ले तापर आम देखा मेटालिक कैरेक्टर एंड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये जिनस आम देखा एवं शुण पे जदि मु तुमको पचार मेटालिक कैरेक्टर कहार अधिका हम जब पचार मेटालिक कैरेक्टर मुझे कह एस ब्लॉक आउ डी ब्लॉक भितर कहार अधिक हम एस ब्लॉक आउ डी ब्लॉक भितर कहार मेटालिक कैरेक्टर अधिक हम तुम कह सार एस ब्लॉक हम कहीं लेफ्ट टू राइट गले पिले लेफ्ट टू राइट गले साइज डिक्रीज हुए साइज डिक्रीज हेले आयोनाइज एनर्जी कौन हम इनक्रीज कर तो मेटालिक कैरेक्टर कौन हम कम तो ये तो तुम बुझीपाल ना कौ भल मेटाल क्या कह जो मेटाल सहजरे इलेक्ट्रॉन दे पार्थ्वक भल मेटाल कह जे भल इलेक्ट्रॉन देला से भल कंडक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी जिते अधिका इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन दबो सेते करंट कंडक्ट हबो तार सेते भल मेटल आम कह कह कपर सिल्वर गोल्ड सिल्वर कंडक्टिविटी बहुत अधिका कपर टू कि सिल्वर जो लगे भी चोरी हो तुम रख सब चोरी हो माने सिल्वर भल इलेक्ट्रॉन दौर जार मेटालिक कैरेक्टर अधिका ता मान पाखे फ्री इलेक्ट्रॉन अधिका थी तमान तर साइज कौन होधिका हो दरकार जार अधिका साइज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन भितर आट्राक्शन कौन हो कम थी जिते आट्राक्शन कम थी इलेक्ट्रॉन से इजिली जापर जिते इजिली जापर से मेटालिक कैरेक्टर भल हो कि लेफ्ट राइट गले आम साइज कौन हुए कमे जब साइज कमुची तेल एस ब्लॉक मेटालिक कैरेक्टर कौन हम अधिका हम बुझीपाल ना बुझीपाली ता मैंने मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कहार अधिका हम एस आउ पी ब्लॉक भितर डी ब्लॉक अधिका जिते छोट साइज
सेते आट्राक्शन अधिका जिते आट्राक्शन अधिका से मानक भांग से कष्ट से अधिका टेम्परेचर दरकार मेल्ट करने बुझीगला दुटा स्टार क्वेश्चन मार बुझीगला क्लीयरली। अच्छा एवं जावा इंडिविजुअल डी ब्लॉक विषय पढ़ा सिंपल ट्रिक कहीदे तुमको केमी तुम डिसाइड कर ठीक अच्छे। प्रथम कथा मन रखि था जार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिका कौन कहली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिका तार मेटालिक बॉन्डिंग अधिका हम जार मेटालिक बॉन्डिंग अधिका हम तार मेटालिक कैरेक्टर कौन हम मेटालिक कैरेक्टर कौन हम अधिका हम तार मेल्टिंग पॉइंट आउ बॉइलिंग पॉइंट कौन हम पिले अधिका हम कौन कहली मुझे जहाँ पाखे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अच्छी पिले नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केवल केवल एन माइनस वन डी नुह एन एस भी अच्छे ना दी जनकर अनपेड इलेक्ट्रॉन को नौ कौन कहली जार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिका हम जिते अनपेड इलेक्ट्रॉन से अधिका बॉन्डिंग करेंगे जिते अधिका बॉन्डिंग हम से कौन हम मॉलिक्यूल कौन हम से स्ट्रॉन्ग हम से मेटल कौन हम स्ट्रॉन्ग हम जिते स्ट्रॉन्ग हम से अधिका टेम्परेचर दबा पड़े कौन करने मेल्ट करने मुझे कहली स्कैंडियम टू जाऊँगी क्रोमियम जाए स्कैंडियम स्कैंडियम कौन था फोर एस टू थ्री डी वन टिटानियम गली टिटानियम के फोर एस टू थ्री डी टू देन कौन गली कड़े गली स्कैंडियम टिटानियम भानाडियम फोर एस टू थ्री डी थ्री आ पाखे अनपेड इलेक्ट्रॉन के गोटे आ पाखे के दीटा आ पाखे केन टा क्रोमियम को पड़े जाऊँगी भलसे देख फोर एस वन फोर एस वन थ्री डी फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन के छटा हो जाए मांगानीज केस पुणी कमी जाऊँगी फोर एस टू थ्री डी फाइव तो कैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन पाँचटा आरे अनपेड इलेक्ट्रॉन जानपर के आ स्ट्रक्चर देख फोर एस वन थ्री डी फाइव डी रहा पाँचटा इलेक्ट्रॉन भर एक दुई तीन चार पाँच एस रे गोटे रहा बुझीगला ना बोलते आईरन पाक जाऊँगी फोर एस टू के थ्री डी सिक्स सिक्स मानने एवं डी रे पेयरिंग हवा स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव थी आ गए पेयरिंग हम स्टार्ट कर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन होगा कमीगला चार ताने सब हाएस्ट थ्री डी सीरीज किए क्रोमियम ही अच्छे कौन कहे हाएस्ट को थ्री डी सीरीज किए क्रोमियम बुझेगला ना बुझेलानी आउ थे कहीदे बाबा जदि तुमर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ला अच्छा तू भावु सार मुझ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन केमी डिटरमाइन करी आरे तुमको से कही इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन शिख जदि तुम इलेक्ट्रॉन कन्फ्यूजन शिखुच ताने बुझ कि तुम ये सब जिन भी होगा जदि तू इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन शिखीचु तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन काटदेव जार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिका तार कौन हम मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग जार बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल भितर ताको अधिका टेम्परेचर दबा पड़े कौन करने मेल्ट करने तार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन हम अधिका हम कौन ये कथा बुझल ना बुझल कह क्लीयरली जो तुम ग्राफ देखो ये सिंपल कथा सॉलिड लिक्विड भितर किए अधिका कह मेल्टिंग पॉइंट अधिका हम ओभियसली सॉलिड अधिका हम कौन पाई सॉलिड कौन अच्छे सॉलिड देख सॉलिड इंट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग वेयरएज तुम लिक्विड इंट्रैक्शन बहुत कम से सॉलिड को अधिका टेम्परेचर देवा पड़ो से हाई मेल्टिंग पॉइंट पजेस करे कि लिक्विड कौन करे कम मेल्टिंग पॉइंट पजेस करे ये देख भल से कहली क्रोमियम जाए बढ़ला भल से देख मॉलिब्डेनम बढ़ी टंगस्टन बढ़ी एटा कौ सीरीज एटा कौ सीरीज पिले थ्री डी एटा हूँ फोर डी ये कौ सीरीज फाइव डी सीरीज आम थ्री डी सीरीज सब हाएस्ट क्या पाइले क्रोमियम हटात मांगानीज तौक पड़ेगा मन पकाओ मुझ छा कहली क्रोमियम अनपेड इलेक्ट्रॉन मांगानीज पाँचटा आयरन मन रखा प्राय प्रॉपर्टी आयरन कोबाल्ट निकल निकेल पाखापाखि समान कौन कहली आयरन कोबाल्ट निकेल प्रॉपर्टी पाखापाखि कन्स्टांट हुए मन रखा पाखापाखि कन्स्टांट ताने आयरन कोबाल्ट निकेल कौन हो कन्स्टांट अच्छी तापर डिक्रीज कला कहीं कपर आउ जिंक कपर आउ जिंक जानचना के थ्री डी टेन ना कपर आउ जिंक कौन थ्री डी टेन अच्छी जेहेतु थ्री डी टेन अच्छी एम कौन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ना तो यार मेटालिक बॉन्डिंग कौन हो वीक जदि मेटालिक बॉन्डिंग वीक होगा तरह मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन हो कमी ताने थ्री डी सीरीज सब हाएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहार क्रोमियम कौ सीरीज कहली थ्री डी सीरीज आउ हाएस्ट लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कहार जिंक एतिके एटा होची हाएस्ट एटा होला तमरो लोएस्ट तो माइंड तो क्वेश्चन आसतो ना सर एतिक तो बुझिली कि मांगानीज रो आयरन टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अधिका कि मांगानीज रो मेल्टिंग पॉइंट काई कम अच्छा ता पछि सुनो मांगानीज रो कॉन्फिगरेशन होची पिले फोर एस टू थ्री डी फाइव ये बहुत ज्यादा स्टेबुल पिले जी स्टेबुल जी शांति रे सोइची ताको पाठ पढ़ा कहले पढ़ी कि पढ़ा चान्स नहीं
तो जी स्टेबल अच्छी से कहीं बंडिंग करवाकूबाई मांगानीज विक् मेटालिक बंडिंग शो करे कौन कहली विक् मेटालिक बंडिंग शो करे मांगानीज जदि विक् मेटालिक बंडिंग शो कर मांगानीज ताने तार वेल्डिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कौन हम कम ही हम ना बुझिपाल मांगानीज कहीं एक्सेप्शनल बिहेवियर देखा ठीक अच्छे आउ गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा जिंक काडमियम मर्क्यूरी एमानकर मेल्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग रु कहते बहुत ज्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट बाकु कहते वोलाटाइल मेटल कौन कहली वोलाटाइल मेटल्स वोलाटाइल मेटल्स ये इजिली वेपराइज हो जाती इजिली वेपराइज हो जाती कौन पाई ना एम पाखे अनपेड इलेक्ट्रोन तो ना ना अनपेड इलेक्ट्रोन थे तो बंडिंग करेंगे कौ बंडिंग मेटालिक बंडिंग करेंगे तो बंडिंग हेले तो भितर मेटालिक क्यारेक्टर डेवलप हम सो दैट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़े ना तो से जिंक तो सब लोएस्ट थ्री डी सीरीज बुझीगला ना बुझीगलानी क्लीयर समस्ते चलो वेरी गुड अच्छा किसी इंपोर्टेंट पॉइंट देख मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट कौन कही देख टंगस्टन क्रोमियम भल से देख क्रोमियम तापर मॉलिब्डेनम तापर टंगस्टन टंगस्टन पिला टंगस्टन हूँ 3400 भली 3400 डिग्री सेल्सियस हूँ तार मेल्टिंग पॉइंट सब हाइस्ट हाइस्ट है टंगस्टन से यूज इन बल फिलामेंट विथ आर्गन आर्गन सहित मिसे जो बल देखुचे ना बल रे आम टंगस्टन यूज कर ठीक अच्छे अच्छा मन रखी था मेल्टिंग पॉइंट जिंक आउ काडमियम मर्क्यूरी भितर मन रखी था ग्रुप 3 आउ ग्रुप 12 भल से मन रखी था मुझ ट्रेन कहीदे कौथे ना आम तो 3D सीरीज जानले जो मुझे 40 आउ 5D जाऊँ ग्रुप 3 आउ ग्रुप 12 मन रखी था 3D ग्रेटर दैन 40 ग्रेटर दैन 5D कौन कहली ग्रुप 3 आउ ग्रुप 12 ग्रुप 4 रु 10 रु 3D 4D 5D ग्रुप कौन कहली 4 रु 10 भितर टॉप टू बॉटम कौन करुची इनक्रीज करुची ग्रुप 3 आउ ग्रुप 12 भितर ग्रुप 3 ग्रुप 12 रे भितर कौन हो टॉप टू बॉटम कौन हो डिक्रीज करुची आ गोटे सब इंटरेस्टिंग ग्रुप 11 ग्रुप 11 ये पिला खाई जाती धोखा कॉपर सिल्वर गोल्ड कॉपर पर गोल्ड आसी जापर सिल्वर आसी ये डाटाबेस माने एक्सपेरिमेंटल फैक्ट तो मन रखा पड़ो तुमको जहाँ दिखाई भल से तुमको मन रखा पड़ो बुझीगला ना बुझीगलानी क्लीयर बास कौन कहली जिंक काडमियम मर्क्यूरी जमी है स्कैंडियम याट्रोलियम लांथनम ये है ग्रुप 3 आ ग्रुप 12 रो बाकी केस रे तलुक गले कौन हो बढ़ुची आओ कॉपर सिल्वर गोल्ड भितर कॉपर गोल्ड तापर सिल्वर परहाप समस्त मेटालिक क्यारेक्टर हो जाए ओके जहाँ थी ऑल डिटेल्स दे दिल तो मुझे किसी पढ़ा दरकार जहाँ अच्छी नोट्स बनई दिव बास खत्म नोट्स गुटा तुमको मिल जाए आप्लिकेसन ठीक अच्छे अच्छा सरीगला डेनसीटी नेक्स्ट पॉइंट देख डेनसीटी डेनसीटी पिले कौन कहते मास बाय वॉल्यूम डेनसीटी कौन कहते मास बाय वॉल्यूम पिले लेफ्ट टू राइट गले आमर मास कौन हो इनक्रीज वॉल्यूम बा रेडियस कौन हो डिक्रीज टिके पर जानव रेडियस केमी डिक्रीज हो आगुरी तो तुम जानते ना लेफ्ट टू राइट गले रेडियस कौन हुए डिक्रीज हुए बोली टॉप टू बॉटम गले रेडियस कौन हुए इनक्रीज हुए तो जब दुटा फैक्टर देखा तो डेनसीटी कौन कर लेफ्ट टू राइट गले डेनसीटी कौन हम पिले इनक्रीज कर आउ गोटे कथा तुम एनसेट रे टिटानियम रु कॉपर भितर कंसीडर कर टिटानियम और कॉपर भितर से डेनसीटी कौन हुए इनक्रीज करे ग्राजुआली टिटानियम रु कॉपर को गले डेनसीटी आम ग्राजुआली कौन हुए इनक्रीज हुए ठीक अच्छे तो पीरियड टेबुल सब हाइस्ट डेनसीटी कार इरिडियम तापर कार ओस्मियम एम दुज पाखापाखि सिमिलर डेनसीटी आउ 3D सीरीज सब हाइस्ट कार लोएस्ट डेनसीटी सब कह स्कैंडियम डेफिनेटली हाइस्ट कार हम कॉपर जिंक नुह जिंक नुह जिंक नुह जिंक होची गोटे लोअर नॉन वोलाटाइल सॉरी लोअर वोलाटाइल मेटल बुझीपाल ना बुझीपाल बास डेनसीटी रिलेटेड ये क्वेश्चन क्लियर समस्ते चलो नेक्स्ट जी एंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन कौन एंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन शुण ये मेटल 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 अच्छी तुम्हें कह कि सा ये मेटल को काढ़ दो मुझे ये मेटल को काढ़ी मत एनर्जी देवा पड़ो ए मेटल को एम जो बंड अच्छी काढ़ी मुझे कौन कन्वर्ट करी फ्री मेटाल कन्वर्ट करी फ्री मेटाल कन्वर्ट करी आर ताकि तो मत एनर्जी देवा पड़ो ना लुहा रड अच्छे सब ये गोटे मेटाल अच्छे आदर मुझे गोटे मेटाल काढ़ी बाहर करवाई आइसोलेट करवाई मत जो एनर्जी देवा पड़ो तो कौन कह हीट ऑफ एटमाइजेशन एंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन तुम कह सार सब तो बुझिली तो ये पुणी भारी कहीं करुच अरे पिले ए मेटल एम सहित तो बंड करुच्छी ना मेटालिक बंडिंग तो बांधिक अच्छे ना
ता माने आ भीतर जो बॉन्ड जिते स्ट्रॉन्ग ही थी वो मोर मेटालिक बॉन्डिंग से स्ट्रॉन्ग जिते मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग मुझे अधिका एनर्जी देवी से मेटल को काढ़ापी ता माने हीट ऑफ एटमाइजेशन बा हीट ऑफ एटमाइजेशन जो कहच ये कहा उपरे कहा सहित रिलेटेड कोडना कोडी तमर मेटालिक क्यारेक्टर सहित रिलेटेड तो मेटालिक क्यारेक्टर ट्रेंड जहाँ पिले मेटालिक क्यारेक्टर ट्रेंड जहाँ हीट ऑफ एटमाइजेशन एक्जाक्टली सिमिलर से भाया ता माने जहाँ पाखे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कौन अच्छी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पाखे अधिका अच्छी कौन कहली नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जहाँ पाखे अधिका अच्छी तार मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हम जहाँ मेटालिक बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग ताकर हीट ऑफ एटमाइजेशन कौन हम अधिका कौन बुझी हो ना बुझे तो सेम ट्रेंड फॉलो कर तो देख जिंक सब लोएस्ट हम कहीं जिंक अनपेड इलेक्ट्रॉन ही ना ना जदि गोटे पिला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जानी ताने से जाणीजब कौन ना अनपेड इलेक्ट्रॉन विषय जानजे अनपेड इलेक्ट्रॉन जाने मेटालिक क्यारेक्टर गोटे प्रॉपर्टी होगा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट गोटे होगा आ गए थर्ड में तुम हीट ऑफ एटमॉस्फेयर तीन टाइम प्रॉपर्टी तरह होगा बास केवल कौन जानवर अच्छे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन बास अच्छा केमी एक्चुअल हो प्रोसेस देख मेटाल को मन इच्छा बाहर करदेवि ना थोड़ी ना सेमती हुए प्रथम मेटाल कौ स्टेट थाए सॉलिड स्टेट थाए सॉलिड रु आगे गैस को कन्वर्ट करा पड़ो सॉलिड रु गैस को कन्वर्ट करने प्रोसेस को कहते प्रथम सॉलिड रु गैस प्रथम कौन कहते सब्लिमेशन आटोमिक स्टेट रे कन्वर्ट करा पड़ो हीट ऑफ एटमाइजेशन से कहींपर तुम्हें ठीक अच्छे ये प्रोसेसटा कौ प्रोसेस कह एंडोथर्मिक प्रोसेस बुझेल सब जिन करें कौन करा हीट ऑफ एटमाइजेशन काढ़ आपको कौन कहते एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन आम एनर्जी दे तो बाहर थोड़ी ना मन इच्छा बाहर अच्छा प्रथम काढ़ीदे मेटाल को नेक्स्ट कौन कले नेक्स्ट कौन कले ये गैसीय स्टेट रही मेटाल इलेक्ट्रॉन काढ़ इलेक्ट्रॉन काढ़ प्रोसेस को कौन कहते प्रथम इलेक्ट्रॉन काढ़ कौन कहते आयनस एनर्जी वन सेकेंड इलेक्ट्रॉन काढ़ कौन कहते आयनस एनर्जी टू जदि गोटे गैसीयस अच्छी प्रथम मेटाल सॉलिड थी गैस को कहते सब्लिमेशन एनर्जी तापर तक एटॉमिक स्टेट को आम ना कहते कौन एंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन टोटल प्रोसेसटा गोटे मेटाल गैसीय स्टेट को पलि आसला से गोटे इलेक्ट्रॉन काढ़िया को आम जो एनर्जी सप्लाई करवा तो कहते फास्ट आयनस एनर्जी सेकेंड इलेक्ट्रॉन काढ़ापी सेकेंड आयनस एनर्जी मेटाल यूजुअली कौ स्टेट थाए टेंशन एलिमेंट टू प्लस टा कमन था स्टेट थाए जाना गोटे गले ये जो मेटाल टू प्लस अच्छी वाटर में डिजल्व करी से स्टेबुल कि अनस्टेबुल चेक करपरि तो मेटाल टू प्लस जो वाटर डिजल्व करुच्च ये कौन बनुच्च मेटाल टू प्लस आक्वियस गैसीय स्टेट रू कौ स्टेट को फर्म हो कन्वर्ट होक्वियस स्टेट को कन्वर्ट हो पिले ये तीन टाइम प्रोसेस था एंडोथर्मिक आमको हिट दबाक पड़ूगा ये गोटे मात्र प्रोसेस अच्छी जोटा कि एक्जोथर्मिक कहीं ना मेटाल वाटर सहित जा बंड बनाऊँच आगु सब बंड भांगूला एवं बंड बनला बंड मेकिंग इज एन एक्जोथर्मिक प्रोसेस बंड ब्रेकिंग इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस ता माने ए तीनटा केस आमको एनर्जी दबाक पड़ो ये गोटे केस रे एनर्जी कौन हम पिले एनर्जी कौन हम रिलीज हम एटी डेलेज कौन हम तुम नेगेटिव हम बुझेगा ना बुझेगा ना ता माने ए तीनटा प्रोसेस रे एनर्जी आमको दबाक पड़ी तो गोटे पिला कह को कंडीशन रे मेटल एम टू प्लस स्टेट को कन्वर्ट हो पार तुम कह सार जदि ए बाला नेगेटिव अच्छा तुमको डेलजी कौन हवा दरकार डेलजी कौन हवा दरकार नेगेटिव हवा दरकार जदि डेलजी नेगेटिव है से रिएक्शन कौन हम स्पोन्टेनियस ऑटोमेटिकली हम ता माने एतिक आम खर्च करुचे एमको कौन हो प्रॉफिट मिलू अरे यहाँ खर्च होता प्रॉफिट मिलू जदि प्रॉफिट अधिका है खर्च टू ताहले तो स्टेबल हम ना ता माने एटा अधिका हवा दरकार ता माने हीट ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी हाइड्रेशन एनर्जी माने जितने मेटाल वाटर सहित मिसुची बंड बनाऊँच वाटर सहित कले बंड एनर्जी रिलीज होता कहते हीट ऑफ हाइड्रेशन जदि हाई हाइड्रेशन एनर्जी है खर्च टू प्रॉफिट अधिका है से केस रे मेटाल एम टू प्लस कन्वर्ट हम मो कथा बुझेगा ना बुझेगा माने आपको सैटिस्फाई करने कौन हम दरकार लो हीट ऑफ एटमाइजेशन दरकार आ कौन दरकार लो आइनस एनर्जी खर्च कम हवा दरकार सो दैट प्रॉफिट कम हम अधिका हेल्ले मोर फेवरेबल कंडीशन हम बुझेगा ना बुझेगा जदि गोटे पिला कह सार मत एम गोटे जगह रखी जब क्रोमियम कथ कह क्रोमियम हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा अधिका जदि ये अधिका हो गला तार कौन हो मेटाल फर्म को आसाक एम टू प्लस फर्म को आसाक कौन कराया पड़े पिले अधिका डिफिकल्टीज फेस कराया पड़ो
कहीं ना खर्च अधिक हो जाए एनर्जी रिलीज हो कम रिलीज हे बुझीगला ना बुझेगा से कौन कहते टेन्स टू बी नोबेल इन रिएक्शन से रिएक्शन जो करती नोबेल रहा ट्राए करती नोबेल मैंने कम रिएक्ट करने ट्राए करती बुझीगला ना बुझेगानी क्लीयर दिस इज ऑल अबाउट योर एंथाल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लीयर पिले चलो किसी क्वेश्चन देखि दि द मोस्ट अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अनस्टेबल किए एम्प्टी हाफ फिल्ड कंप्लीट फिल्ड इनकम्प्लीट तो ओब्वियसली इनकम्प्लीट ये स्टेबल ई भी स्टेबल एम्प्टी भी स्टेबल मन रखा हुई ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाय ट्रांजिशन एलिमेंट कौटा शो करेनी कहते ना डक्टिलिटी शो कर कंडक्टर शो कर मालेबिलिटी शो कर ये करे ना ग्लोइंग इन डार्क ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मोर डेन्स एज कंपेयर टू एस ब्लॉक डेंसिटी लेफ्ट टू राइट गले कौन कही लेफ्ट राइट गले डेंसिटी कौन हो इनक्रीज कर तो कौन हम व्हाई डज द डेंसिटी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कौन पाई डिक्रीज इन साइज ठीक अच्छे ड्यू टू इनक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज ये भी ठीक अच्छे ड्यू टू पुअर सिलिंग आंसर कौन हम ऑल ऑफ द अबव हम ठीक अच्छे तो नेक्स्ट जी आम एटॉमिक रैडी आउ गए कौन अच्छे आयनिक रैडी।